आदरणीय भगवान, आज के इस वीडियो में इथेनॉल की चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए वाटेक वाबा को। ये कंपनी आपकी सेवा में मैं निचले लेवल से कवर कर रहा हूँ। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 270% का मुनाफा दिया है वाटेक वाबा को। एक तरफ पुराने क्लाइंट्स जैसे कि रिलायंस से धंधा मिल रहा है, साथ में नई उभरती इंडस्ट्रीज जैसे कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहां से भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इंडो सोलर नाम की कंपनी आंध्र प्रदेश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रही है। प्लांट को पानी चाहिए तो डिसेलिनेशन प्लांट लगा रही है वाटेक वाबा। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। जाहिर है बड़ा प्रोजेक्ट था तो वाटेक वाबा का शेयर लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। मान्यवर ध्यान दीजिए, भारत में पानी की किल्लत है। मोदी साहब की सरकार है, अगले 5 वर्षों तक वाटर ट्रीटमेंट पर खासा फोकस रहेगा। बजट एलोकेशन इस सेक्टर को बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए वाटर ट्रीटमेंट के सेक्टर में काम करने वाली दिग्गज कंपनी वाटेक वाबा का भविष्य उज्जवल है। साथ में इथेनॉल सेक्टर में भारत सरकार का कहना है कि अभी जो 20% का टारगेट है उससे भी ऊपर जाएगी भारत सरकार, क्योंकि अगर इथेनॉल भारत में ही बनता है तो लाखों करोड़ों डॉलर सालाना बचाए जा सकेंगे। दूसरे देशों को जाने वाला पैसा, सऊदी को अमीर बनाने वाला पैसा अब भारतीय किसानों को धनाढ्य बनाएगा। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर बढ़ती है तो शुगर कंपनियों के लिए तो अच्छा है, साथ में वह कंपनी जो कि इथेनॉल प्लांट को लगाती हैं जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज, उनका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। वैसे प्राज इंडस्ट्रीज मैंने कई बार अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड की हुई है। आज भी कमजोर मार्केट में भी प्राज इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चाहे वाटर ट्रीटमेंट हो अथवा इथेनॉल का सेक्टर हो, ठीक इसी प्रकार के जो लॉन्ग टर्म सेकुलर ट्रेंड वाले सेक्टर्स हैं जहां पर लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बन सकता है, उन शेयर्स को मैं अपने क्लाइंट्स की सेवा में रेकमेंड करता रहता हूँ। आपकी सेवा करना भी मेरा परम सौभाग्य होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा महोदय।